हेलो दोस्तों, मैं हूं राजपूत सरफराज और आप देख रहे हैं सिर्फ टैक। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं उन मोबाइल के बारे में जो कुछ भी करने पर एकदम हीट कर जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो किसी किसी का मोबाइल तो ऐसा होता है, फोटोज़ भी देखें या वीडियोस देखें, इंटरनेट ऑन किया, अचानक से एकदम मोबाइल हीट कर जाता है, गर्म हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ 7-8 टिप्स ऐसी बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल को थोड़ा कूल कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे फ्यूचर में वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहली टिप से गर्मी से बचाएं। दोस्तों, गर्मी से आप अपने मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए, इससे बहुत हीट होता है। हम कहीं धूप में खड़े हैं, वहाँ पर मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल ऑन किया, एकदम से मोबाइल हीट करने लग जाता है। ये मोबाइल कुछ कुछ मोबाइल में ही ऐसा होता है, ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन जिसमें भी ये समस्या होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना मोबाइल धूप से हटकर ही चलाएं, तो आपके मोबाइल ज़्यादा हीट नहीं होगा, तो आपका मोबाइल बच जाएगा। तो दूसरी टिप से मोबाइल पर कवर लगाना। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल पर कवर लगाते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि मोबाइल पर गर्मी में, ज़्यादातर गर्मी में मोबाइल में बिल्कुल भी कवर ना लगाएं, क्योंकि आपके मोबाइल में जो हीट होती है, गर्मी होती है, वो निकल नहीं पाती, जिसके कारण मोबाइल हीट करने लग जाता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप गर्मी में बिल्कुल भी कवर ना लगाएं, मोबाइल ऐसे ही रहने दें। और अगर 1% आप सोचते हैं कि भाई मोबाइल सेफ रहता है इससे, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन तब लगाएं जब आप ऐसी जगह पे हैं। मान लीजिए आप घर पर हैं, तो आप अपना मोबाइल का कवर हटा के मोबाइल को रख दीजिए। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप कवर लगा सकते हैं, लेकिन वो भी गर्मी में नुकसान दे सकता है, धूप में नुकसान दे सकता है। तो मेरा मानना तो यही है कि गर्मी में कवर बिल्कुल ही नाम के लिए लगाएं। तो दोस्तों, तीसरे टिप की बात कर लेते हैं। तीसरी टिप्स है फ़ोन की सेटिंग में बदलाव। तो अगर आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस 100% तक रखते हैं, तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस से अपना मोबाइल गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है, मोबाइल जब चलता रहता है, मोबाइल की ब्राइटनेस 100% रहती है, तो मोबाइल हीट करने लग जाता है, गर्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप बाहर हैं या कहीं धूप की जगह पर हैं, तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस कम ही रखें। आप जितनी एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर 50% में अपना काम कर सकते हैं, तो अपना 50% में करिए, लेकिन ज़्यादा अगर आप ब्राइटनेस यूज करेंगे तो आपका मोबाइल हीट करने लग जाएगा और गर्म हो जाएगा। और अगर आप घर पर हैं तो आप 0% ब्राइटनेस रखें। तो चलते हैं चौथे टिप्स की ओर। तो चौथी टिप्स है डाटा कंट्रोल करना। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे डाटा कंट्रोल कैसे होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। डाटा कंट्रोल का मतलब है आप फालतू में नेट ना चलाएं, इंटरनेट, जैसे हम कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब वगैरह, या कहीं पे भी, इंस्टा पे भी, तो उस टाइम तो मोबाइल हीट करता ही है, वो तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन अगर आप मोबाइल यूज भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका मोबाइल हीट कर जाएगा, क्योंकि मोबाइल डाटा ऑन होगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप जब भी आप कभी अपना मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल का डाटा ऑफ रखें, इससे आपका मोबाइल हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। दोस्तों, पांचवी टिप्स है गेमिंग फ़ोन के बारे में। आप सोच रहे हैं कि गेमिंग फ़ोन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं बता देता हूँ कि गेमिंग फ़ोन में भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप अगर मोबाइल में ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, और मोबाइल में एक ऑप्शन होता है ओवर क्लॉक का, अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं गेम, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल में है या नहीं है, क्योंकि उसके ओवरक्लॉक जो ऑप्शन होता है, उसमें ज़्यादा
मोबाइल हीट करता है, गर्म करता है, तो अगर आपके मोबाइल में है तो थोड़ा आप अपना गेम खेलना कम करें, उससे आपका मोबाइल हीट करना और गर्म कम होगा, जिससे आपका मोबाइल बच जाएगा। तो चलिए छठे टिप्स की ओर चलते हैं दोस्तों। छठी टिप्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप अपना मोबाइल में तेज गेम खेलते हैं, तेज गति से गेम खेलते हैं और वीडियोज फोटोज वगैरह एडिट करते हैं, और अगर आपका मोबाइल फास्ट चार्जर है तो आपका मोबाइल भी हीट इसलिए कर सकता है क्योंकि आपका फास्ट चार्ज हो रहा है और उसमें उससे आपका मोबाइल गर्म होगा। लेकिन एक बात है, अगर आप अपना मोबाइल कम से कम चार्जिंग पे लगा रहे हैं, फास्ट चार्जर पर भी, तो आपका मोबाइल गर्म कम होगा, हीट कम होगा। तो यही थी, अब चलते हैं सातवीं टिप्स की ओर। सातवीं टिप्स है, तो दोस्तों सातवीं टिप्स में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या किस जगह पर फ़ोन रख सकते हैं और किस जगह पर नहीं। तो दोस्तों आप ज़्यादातर अपना फ़ोन पैंट की जेब में रखते होंगे, पतलून में रखते होंगे, तो अगर आप ये करते हैं तो आपका मोबाइल ज़्यादा हीट होता है क्योंकि गर्मियों में इन चीज़ों में मोबाइल ज़्यादा गर्म होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इन जगह पर ना रखें, और रखें तो आप कोट वगैरह जैसे हुआ, क्योंकि कोट, लेकिन ऐसा है कोट तो गर्मियों में पहनते नहीं है, तो अगर आप रखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल को बैग वैग में रखें, जेब में ना रखें। तो चलिए आठवें टिप्स की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आठवीं टिप्स में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना मोबाइल हीट हो रखा है उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका मोबाइल हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है, उसको कैसे कूल ठंडा कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना मोबाइल अगर घर पर है तो आप पंखे के नीचे रख सकते हैं, फैन के नीचे रख सकते हैं, और कोई भी ठंडी जगह है तो आप वहाँ पर रख सकते हैं, छाँव में रख सकते हैं। और अगर आप बाहर हैं तो आपको पंखा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको छाँव जरूर मिल सकती है, आप छाँव के में रख सकते हैं इस मोबाइल को, अपने मोबाइल को, आपका मोबाइल कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपको आठ टिप्स बताई हैं जिससे आपका मोबाइल कूल हो सकता है, ठंडा हो सकता है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे हमारी ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।